नमस्कार, आप सबका स्वागत है HJ न्यूज में। सुपरस्टार सलमान खान बेशक कई दशकों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हों, लेकिन ना तो वो खुद को सुपरस्टार मानते हैं और ना ही किसी और खान या मेगा स्टार को। सलमान की नजर में सिर्फ एक ही हीरोइन है जो इस टक की हकदार है और सही मायनों में सुपरस्टार है। ये हीरोइन है श्रीदेवी। श्रीदेवी के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके सलमान खान श्रीदेवी की आने वाली फिल्म मॉम के फर्स्ट लुक लॉन्च पर मौजूद थे और यहां उन्होंने श्रीदेवी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, आमिर, शाहरुख और अक्षय, हम सभी ने अभी तक कई फिल्में की हैं। आमिर ने अभी तक 50 फिल्म की होंगी क्योंकि वो साल में एक ही फिल्म करते हैं। शाहरुख से 100 सेकेंड ज्यादा फिल्में की होंगी। अगर हम सभी की सारी फिल्मों को जोड़ दिया जाए तो हमने अभी तक सिर्फ 250 या 275 फिल्में ही की होंगी। लेकिन एक लेजेंड है जो इतनी टैलेंटेड, समर्पित और मेहनती है, जिसने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी करियर की शुरुआत की और अभी तक 300 फिल्मों का आंकड़ा पार कर लिया है। हमारे काम की तो उस लेजेंड के काम के साथ बराबरी भी नहीं की जा सकती। ये लेजेंड है श्रीदेवी। बता दें कि श्रीदेवी करीब 5 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है और इस दौरान उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी हैं। श्रीदेवी की लोकप्रियता का आलम यह है कि 2 दशक बाद उन्होंने फिल्मी पर्दे पर वापसी की तो फैंस ने जश्न मनाया और उनकी कमबैक फिल्म सुपरहिट रही। 50 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन श्रीदेवी ऐसा कर दिखाया। फैंस को अब श्रीदेवी की फिल्म मॉम का इंतजार है, जिसमें वो एक माँ के किरदार में नजर आएंगी। इस फिल्म को उनके पति बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया है और इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अक्षय खन्ना भी नजर आएंगे। आप देख सकते हैं HJ न्यूज की रिपोर्ट।